बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू न्यू कैट ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम पोजीशन डायलॉग बॉक्स, जो कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसका इस्तेमाल सीखेंगे। तो इसको सीखने से पहले आप यहाँ पर कंटिन्यूस लाइन जो है इसको आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप इस डायलॉग बॉक्स को ओपन कीजिए। यहाँ पर आप X0, Y0 और Z0 इसको आप 0 ही रहने देंगे और इसको अप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से हमारा लाइन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो जिस पोजीशन पर एक्स वाई और जेड ज़ीरो है वहाँ पर प्लेस हो चुका है। अब हम इसको नेक्स्ट पॉइंट देंगे, उसमें मैं एक्स की डायरेक्शन के अंदर 50 मिलीमीटर जाना चाहता हूँ और इसको आप अप्लाई कर दें। तो अब आप देख रहे हैं कि एक्स में 50 मिलीमीटर हमारी एक लाइन इंसर्ट हो गई है। अब इसी तरह आप पोलर के अंदर जाएंगे और पोलर के अंदर आप यहाँ पर एंगल 45 का देंगे और साथ में डिस्टेंस 50 का देंगे। तो ऐसा करने से हमारी एंगल के साथ एक लाइन जिसकी लेंथ 50 मिलीमीटर है वो इंसर्ट होगी। इसके बाद आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसी तरह आप फिर से कार्टेशियन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आप वाई के अंदर 50 मिलीमीटर जाएंगे और इसको अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आप पोजीशन डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ लाइंस इंसर्ट कर सकते हैं। आप फिर से पोलर के अंदर आएंगे और यहाँ पर आप एक एंगल लगाएंगे 135 का और डिस्टेंस देंगे आप 50 मिलीमीटर का। तो इस तरह से आपने एक तीसरी लाइन भी है वो लगा दी। आप इसको अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आप फिर से कार्टेशियन के अंदर आएँ और एक्स के अंदर आप -50 लिखें और इसको अप्लाई करें। यहाँ पर आपने एक और लाइन इंसर्ट कर दी। अब इसके बाद आप फिर से पोलर के अंदर आएँ, यहाँ पर आप एंगल 225 और हमारे पास जो इसकी लेंथ है वो 50 है, इसको अप्लाई करें। फिर कार्टेशियन के अंदर आएँ, वाई के अंदर -50 अप्लाई कीजिए और फिर पोलर के अंदर आएँ, यहाँ पर आपने एंगल 315 देना है और इसकी लेंथ जो है वो 50 देनी है और इसको अप्लाई कर देना है। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने विद द हेल्प ऑफ पोजीशन डायलॉग बॉक्स हमने एक हेक्सागोन क्रिएट कर ली, जिसके अंदर हमने एंगल के ऊपर लाइन किस तरह इंसर्ट की जाती है वो सीखा और इसके साथ साथ हम एक्स और वाई के अंदर किस तरह लाइनें लगा सकते हैं विद स्पेसिफिक डायमेंशन। तो इसमें फ़िलहाल इतना ही, इसको हम ओके करते हैं। अब चूँकि ये डिफरेंट लाइन्स हैं, हम इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे पास कंपोजिट कर्व जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं। आप इस लाइन के ऊपर क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली सारी की सारी जो हमारी लाइंस हैं वो कंपोजिट हो जाएंगी। यहाँ पर आप सेव के ऊपर क्लिक कीजिए और एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके साथ साथ हम किसी भी जो हमारे पास वायर फ्रेम्स हैं उनको कंपोजिट बनाने के लिए आप कीबोर्ड में आर्ट का बटन जो है उसको दबा के रखें और लेफ़्ट माउस बटन जो है वो किसी भी लाइन के ऊपर क्लिक करें। तो ऐसा करने से भी आप कंपोजिट कर्व को क्रिएट कर सकते हैं। कंपोजिट कर्व से हमारी पूरी की पूरी जो लाइंस हैं वो ज्वाइन हो गई। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने पोजीशन डायलॉग के बारे में स्टडी किया। बाकी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।